ऑपिचा एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। एससी ने पूछा, रमजान में सुबह 5 बजे वोटिंग करवाई जा सकती है क्या? लोकसभा चुनाव के अगले 3 चरण के मतदान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह मतदान के समय में परिवर्तन को लेकर दायर याचिकाओं पर फैसला करे, जिससे कि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या बाकी के 3 चरण में रमजान के समय मतदान सुबह 7 बजे की बजाय 5 बजे कराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह मतदान के समय में परिवर्तन को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई करे, जिससे कि लोगों को राजस्थान सहित अन्य जगहों पर भीषण गर्मी और रमजान के दौरान मतदान करने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। गौर करने वाली बात है कि रमजान के महीने में चुनाव की तारीखें पड़ने की वजह से कई वर्ग लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने अपील की थी कि जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह इन याचिकाओं पर सुनवाई करे। हालांकि लोकसभा चुनाव के कुल 4 चरण समाप्त हो चुके हैं, अब सिर्फ 3 चरण के मतदान शेष हैं। 5वें चरण का मतदान 6 मई, 6ठे चरण का मतदान 12 मई और 7वें आखिरी चरण का मतदान 19 मई को संपन्न होगा। वहीं चुनाव के नतीजे 23 मई को घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बोले, 2014 से अब तक हुए 942 बम धमाके, पीएम मोदी खोले अपने कान। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के हमले में 16 जवानों के शहीद होने की घटना के कुछ घंटों बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 2014 के बाद से देश ने बम धमाकों की आवाज नहीं सुनी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2014 के बाद से देश में बम धमाकों की गूंज नहीं सुनाई। पुलवामा, पठानकोट, उरी, गढ़चिरौली और 942 अन्य बम विस्फोट की घटनाएं हुई। पीएम को अपने कानों को खोलने और सुनने की जरूरत है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी पीएम मोदी के इस बयान पर हमला बोला है। 103 ट्रेन रद्द, पर्यटकों की साइक्लोफोनी। 103 ट्रेन रद्द, पर्यटकों के रेस्क्यू के लिए 2 स्पेशल ट्रेनों की सुविधा। भीषण चक्रवाती तूफान फोनी को लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ये येलो अलर्ट घोषित किया गया है। फोनी तूफान शुक्रवार को ओडिशा के पूर्वी में दस्तक दे सकता है। तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 175 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होने की संभावना है। इसी के मद्देनजर एहतियात के तौर पर पूर्वी तटीय रेलवे ने राज्य से चलने वाली 103 ट्रेन को रद्द कर दिया है। राज्य में फंसे पर्यटकों को सुरक्षा स्थानों पर पहुँचाने के लिए स्पेशल ट्रेन पुरी से हावड़ा के बीच चलाई जाएगी। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।